हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मई सेल्फ आशा स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना से 26 तारीख की ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, जहाँ पे बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और साथ में पब्लिक हेल्थ नर्स की भी वैकेंसी आई है। हालाँकि पब्लिक हेल्थ नर्स की सीट बहुत कम है, मतलब कि एक सीटों पर है, लेकिन बाकी जो पोस्टें हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके फैमिली में या फिर आप में मतलब कोई भी रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 26 तारीख का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। सीनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी। अच्छा खासा पे ग्रेड रहने वाला है, ये पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है तो आप देख सकते हैं, डाइटिशियन की पोस्ट है, आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, योगा एंटीनेटल मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, अकाउंटेंट ऑफिसर। यहाँ पे बस एक सीट रहने वाली है यूआर की, 21 से 35 साल एज रहने वाली, सीबीटी एग्ज़ाम होगा इसमें। पब्लिक हेल्थ नर्स की एक पोस्ट है, लेवल 8 का आपको यहाँ पे स्केल मिल रहा है, 47,400 से लेके आपका 1,51,000 तक सैलरी, मतलब कि बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जीएनएम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सीटें कम होती है तो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कम सीटों पे भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मेडिको सोशल वर्कर भी है, योगा इंस्ट्रक्टर, सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर आप नहीं एलिजिबल अप्लाई के लिए तो आपके फैमिली में या फिर रिलेटिव में कोई भी है इसमें क्वालिफिकेशन रखता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पटना एम्स में काम करने का। साइकेट्रिक सोशल वर्कर, बीएससी एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर, वोकेशनल काउंसलर, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी है। सीनियर हिंदी ऑफिसर, फिर उसके बाद से टेक्निकल ऑफिसर, और भी ऑप्टोमेट्री वगैरह की भी वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। पोस्टें थोड़ी थोड़ी हैं पर कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइटिशियन की भी वैकेंसी है, कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होगा जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। छोटे बड़े सारी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट की भी 2 पोस्ट है, स्टोर कीपर की भी 13 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है, छोटी बड़ी करके बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसमें देख लीजिए कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिए। एक सीट है पब्लिक हेल्थ नर्स की, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन की भी यहाँ पोस्ट रहने वाली है, 66 पोस्ट ओटी टेक्नीशियन की है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लैब टेक्नीशियन, सॉरी, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो जो लोग लैब टेक्नीशियन का वेट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन की भी यहाँ पे दी गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट इसमें ज़्यादा है, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, कई सारे पोस्ट हैं, तो आप इसको देख लीजिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। छोटी बड़ी बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके अलावा भी पीडीएफ देखने के बाद अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, टर्म एंड कंडीशन इसमें दिए गए हैं, एक बार इस पीडीएफ को पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।